नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। विश्व जल दिवस के मौके पर संकल्प तरु फाउंडेशन की ओर से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौधारोपण कर सौंग वन की ओर से कदम बढ़ाया। बता दें कि जैव विविध अंतर्गत डोईवाला की ग्राम पंचायत जीवनवाला में सौंग वन को विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। और संकल्प तरु फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो पर्यावरण संरक्षण, भूमि व जल संरक्षण और किसानों के आजीविका के लिए कार्य कर रही है। संस्था का उद्देश्य तकनीकी संसाधनों के माध्यम से पृथ्वी को हरा भरना करने के साथ ही पर्यावरण को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य से संकल्प तरु संस्था विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से भारत के 26 राज्यों में 50 लाख से अधिक पौधे लगा चुकी है। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्व जल दिवस के मौके पर बधाई देते हुए सभी लोगों को एक पौधा लगाए जाने की अपील करने के साथ ही सौंग वन को पर्यावरण के लिहाज से अहम बताया और कहा कि सौंग वन के विकसित होने से उत्तराखंड की खूबसूरती तो बढ़ेगी ही, साथ ही आमजन को भी इससे पौधारोपण करने में बड़ा संदेश मिलेगा। विश्व जल दिवस पर हम जल संचय का संकल्प लें, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात, जो ये सौंग वन यहाँ पर स्थापित किया गया है, ये सब जानते हैं कि बहुत ही ये रेतीला भूभाग था ये, और एक फाउंडेशन है संकल्प तरु, जिसके मिस्टर भंडारी जो कि हम एक वैज्ञानिक हैं वो उसको चेयर कर रहे हैं। वो तो लगभग 1.25 साल पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमारी जो इस तरह की जो वेस्ट लैंड पड़ी हुई है यहाँ पर कुछ वृक्षारोपण किया जाए, और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। और यहाँ आज लगभग 1 साल पहले जो शुरुआत जिस प्रोग्राम की गई थी पिछले मार्च में, आज यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि वन विकसित हो रहा है। तो इससे जहाँ पर्यावरणीय लाभ भी होगा और गाँव समाज की जो भूमि है वो भी सुरक्षित रहेगी। गांव वाले इसमें सहभाग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम इसको सस्टेन करना है तो इसमें स्थानीय लोगों का, गांव वासियों का सहयोग, सहभाग, सक्रिय सहभाग, ये बहुत जरूरी है। मैं सबसे भी कहना चाहूँगा इसमें भी वो सहयोग करें।